इस वक्त जो खबर आ रही है वो बहुत दुखद खबर है। एयरफोर्स ने कंफर्म किया है इस दुखद खबर का, जिसकी आशंका थी कि भारतीय वायुसेना का जो विमान क्रैश हुआ है उसमें CDS बिपिन रावत पाए जाने की पुष्टि हो गई है। CDS जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, ये इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके बताया है। ये इंडियन एयरफोर्स का इस समय ट्वीट है उस हादसे के बारे में जिसकी खबर दोपहर 12:20 पर मिली थी, जिसमें एयरफोर्स का एक प्लेन क्रैश हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों में जब वो वेलिंगटन जा रहा था, जिसमें CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। इस क्रैश में जनरल बिपिन रावत की भी मौत हुई है। जनरल बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी इसमें सवार थी। और इस समय इंडियन एयरफोर्स की इस ट्वीट से उस दुखद खबर की जिसकी आशंका थी उसकी पुष्टि हुई है कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी सिक्योरिटी पर्सनल, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग इसमें सवार थे। तो इस समय जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि हुई है, जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत दुखद खबर है। भगवान उनकी आत्मा को शांति।